देख, सबसे पहला बात यहाँ पे जो बता रहा है वो है फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर तुम लोग सभी बच्चा देखा होगा, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जो फ्लावर नहीं देखा होगा। तो फ्लावर को देखते हुए सबसे पहला चीज तो यही ख्याल आता है कि क्या सुंदर सुंदर कलर का फ्लावर्स हो सकता है, ठीक है। तो फ्लावर को अगर कलर है तो भैया रूट को कलर क्यों नहीं है, या रूट का एक ही कलर क्यों होता है, स्टेम्स का कलर एक ही होता है, स्टेम्स का कलर ब्राइट क्यों नहीं होता, फ्लावर का कलर ब्राइट क्यों होता है। तो कौन बच्चा ये बता सकता है व्हाई आर फ्लावर्स जनरली ब्राइट इन कलर? भैया वो बैक चल टू वो नहीं इंसेक्ट। तो यही एक लाइन में आंसर सही बताया, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? पॉलिनेशन के पॉलिनेशन के लिए, वेरी गुड। तो इसका मतलब तुम लोग पॉलिनेशन भी जानते हो। तो वही चीज बताए कि ये चैप्टर बहुत सारा आगे भी कनेक्टेड है, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, ये सारा चीज आएगा। अभी हम लोग जो है 4-5-6 चैप्टर जो फर्टिलाइजेशन तक जाएगा वो फ्लावर पे बेस्ड है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट रिप्रोडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। तो अगर हमको अपना स्पीसीज को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत ही क्या है, जरूरी। एक होता है तुम्हारा सेक्सुअल और दूसरा जो होता है वो क्या हो जाता है, तुम्हारा बाइसेक्सुअल। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, देर आर टू मोड्स ऑफ क्या होता है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे वही चीज बताया इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो हम क्या बता रहे, फ्लावरिंग प्लांट का बात बता रहे। तो फ्लावरिंग प्लांट फंक्शन इज परफॉर्म बाय द फ्लावर। तो ये रिप्रोडक्शन का काम जो करता है वो कौन करता है प्लांट में, वो फ्लावर करता है भैया। द फ्लावर इज यूजली द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द प्लांट। तो तुमको पहला बात यही बात बताई कि फ्लावर जो होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, कॉन्स्पिशियस पार्ट होता है किसका, प्लांट का। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। भैया व्हाट डू यू मीन बाय असेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल? तो असेक्सुअल बाइसेक्सुअल का मतलब यही होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। बाइसेक्सुअल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जिसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब तुम लोग को एक वर्ड आएगा गैमेट्स के बारे में, ठीक है। तो गैमेट का मतलब क्या होता है भैया? गैमेट का मतलब होता है सेक्स सेल्स, ठीक है। गैमेट का क्या मतलब होता है भैया? सेक्स सेल्स होता है। तो बाइसेक्सुअल का मतलब हुआ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, जिसमें मेल एंटिटी एंड फीमेल एंटिटी एक पार्ट में ही प्रेजेंट रहे, ठीक है, या एक ही प्लांट में प्रेजेंट रहे। तो ये मेल और फीमेल पार्ट जो होता है, कौन सा पार्ट भैया? रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक ही फ्लावर में जब रहता है या एक ही प्लांट में जब रहता है तो वी कॉल इट बाइसेक्सुअल। बट भैया मेल अलग है और फीमेल पार्ट अलग है, ठीक है, तो वो हम लोग उसको क्या कहते हैं, असेक्सुअल बुलाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, असेक्सुअल है। यहाँ पे फ्लावर में भी क्या होता है, कहीं पे असेक्सुअल होता है, कहीं पे बाइसेक्सुअल होता है। तो बाइसेक्सुअल का यहाँ पे ये मतलब है जहां पे मेल बॉडी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही एंटिटी में पाया जाता है, एक इंडिविजुअल में पाया जाता है। गैमेट्स बोले तो गैमेट्स का मतलब, आगे से ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, गैमेट्स का मतलब होता है सेक्स सेल्स, ठीक है। तो सेक्स सेल्स क्या होता है वो आगे आ जाके हम तुमको बताएंगे, ठीक है। जैसे हम तुम लोगों को बता देते, इंसान में क्या होता है, मेल में कौन बच्चा बता सकता है मेल में सेक्स सेल्स का नाम क्या है? स्पर्म। स्पर्म। और फीमेल में क्या होता है बताओ? ओव्यूम। ओवम, ठीक है, ओव्यूल्स तुम्हारा प्लूरल हो गया, यहाँ पे ओवरी बुलाते हैं ऐसे तुम लोग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोग यही सारा चीज पढ़ाई करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते और समझते इसको। तो फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड सूट इन विच द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो भैया लीव्स होता है ना वो फ्लोरल स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है। भैया कैसा फ्लोरल स्ट्रक्चर होता है, चलो वही बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए स्टॉल पेडिसल विच इज सपोर्ट द फ्लावर। तुम लोग देखा होगा फूल को तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो फूल को जो तोड़ा जाता है जनरली ऐसे करके भैया होता है, ठीक है, देखिए। तो ये जो पत्ता, ये जो कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट को जो तोड़ते हैं इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, पेडिसल बुलाते हैं। इसी को क्या बुलाते हैं, पेडिसल, या इसी को क्या बुलाते हैं, स्टॉल। इसी को तोड़ देते भैया फूल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है प्लांट से। सम फ्लावर में भी विदाउट स्टॉल, कुछ कुछ फ्लावर विदाउट स्टॉल होता है तो उसको हम लोग सेसिल बुलाते हैं। तो सब बच्चा जल्दी से इसको अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लावर में ये चीज प्रेजेंट है, ठीक है, क्या चीज प्रेजेंट है भैया, पेडिसल प्रेजेंट है, ठीक है, या स्टॉल प्रेजेंट है, उसको हम लोग पेडिसिलेट फ्लावर बुलाते हैं। उसको क्या बुलाते हैं, पेडिसिलेट।
बहुत सारा ऐसा फ्लावर होता है जिसमें ये वाला पार्ट नहीं रहता है भैया, डायरेक्टली वो जो होता है फ्लावर्स प्लांट से ऐसे ही करके अटैच रहता है, ठीक है, अगर ऐसे करके अटैच है, ठीक है, डायरेक्टली और पेडिसल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं बताओ जल्दी से? पेडिसिलेट, सेडिल, सेसिल, ठीक है, क्या बुलाते हैं? सेसिल। अगर स्टॉल्क है, ठीक है, स्टॉल्क है तो उसको पेडिसिलेट बुलाते हैं, और अगर स्टॉल्क नहीं है तो उसको सेसिल बुलाते हैं। ध्यान रहेगा तुम लोग को ये चीज, अंडरलाइन कर लो अगर ध्यान नहीं रहता है तो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम बता दिए तुम लोग को। वन वर्ड के लिए क्वेश्चन सब आता है तो तुमको ये बात हम बताए। देख ले यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है, इसका बहुत बार ये डायग्राम तुम लोग सब कर लो, इस लेबलिंग करने आता है बहुत बार या बनाने ही दे देता है तुम्हारा बायो लैब में तुम लोग को, पहला तो ये रहेगा ही रहेगा। देख सकता है यहाँ पे इसमें स्टॉल प्रेजेंट है, तो ऐसा फ्लावर जिसमें स्टॉल प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं जल्दी बताओ? पेडिसिलेट। पेडिसिलेट। और अगर नहीं रहता है तो उसको क्या बुलाते हैं? सेसिल। ठीक है, तो बोलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा टर्मिनोलॉजीज आएगा जो तुम लोग को नया नया याद करना है, लिखते जाओ तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, ऐसे करके हेडिंग लगा लो, धीरे धीरे करके ऐसे करके क्या करो, लिखते जाओ। अब इसके बाद देखो फिर क्या है, द फ्लोरल पार्ट आर बॉर्न ऑन द थैलेमस इन फोर हॉल्स। अब थैलेमस क्या हुआ भैया? ये वाला जो सॉलेंट पार्ट है, ठीक है, दिस सॉलेंट पार्ट, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? थैलेमस बुलाते हैं। इसी को क्या बुलाते हैं? थैलेमस। तो देखो क्या लिखता है, द फ्लोरल पार्ट आर बॉर्न, सॉरी, द टिप ऑफ द फ्लावर स्टॉल मे बी एक्सपेंडेड इन फॉर्म ऑफ ए कप शेप्ड रिसेप्टल, जिसको क्या कहते हैं? थैलेमस। तो देख यहाँ पे ये दिख रहा होगा सबको रिसेप्टल, तो ये जो है भैया क्या है? एक्सपेंडेड है, तो इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? थैलेमस बुलाते हैं। इसी पे चारों होल क्या होने वाला है? गुच्छा। तुम लोग देखा होगा फूल खिलते हुए, ठीक है, तो फूल जो खिलता है, ठीक है, तुम लोग सब अच्छा देखा होगा फूल को खिलते हुए, तो फूल जो है बडिंग स्टेज में रहता है और ऐसे करके खिलता है, ठीक है, हम तुम लोग को एक बार चाह रहे, तो जो सबसे पहला होल्ड होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सेपल्स। और सेपल्स जो होता है जनरली किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। सेपल्स तुम्हारा जो होता है वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। और हम लोग सब जानते हैं कि अगर वो ग्रीन है तो उसका मेनली काम फोटोसिंथेसिस हो गई। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस भी होता है भैया, प्रोटेक्शन का भी काम होता है। तो भैया उसके कलेक्टिवली उसको सबको मिला के क्या कहते हैं? कैली। एक को बुलाते हैं सेपल, ठीक है, एक यूनिट को, और उसको कलेक्टिवली उसको क्या बुलाते हैं? कलेक्टिवली उसको बुलाया जाता है कैलिक। तो ये ध्यान रखना, कैलिक के यूनिट को क्या बुलाते हैं? तो सेपल्स लिखेंगे। और उसी तरह तुम्हारा देखो दूसरा ब्राइटली कलर्ड क्या होता है? पेटल्स होता है। ब्राइटली कलर्ड क्या होता है? पेटल्स होता है। और पेटल्स का जो यूनिट होता है पूरा कलेक्टिवली उसको क्या बुलाते हैं? कोरोला बुलाते हैं। कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं? कोरोला। तो भैया एक पत्ता को बुला रहे हैं पेटल्स, और पूरे गुच्छे को क्या बुलाते हैं? कोरोला। उसी तरह जो ग्रीन कलर का होता है उसको सेपल्स बुलाते हैं, जो सबसे बाहर में रहता है, और पूरे गुच्छे को क्या बुलाते हैं जल्दी बताओ? एंड्रोसियम। ठीक है, वो क्या होता है? एंड्रोसियम। भैया एंड्रोसियम के यूनिट को बुलाते हैं स्टामेन। ठीक है, क्या बुलाया जाता है? स्टामेन। तो तुम लोग एक चीज सुन लो यहाँ पे सब बच्चा, ये जो एंड्रोसियम लिखे हैं, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर या प्लांट। प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको हम लोग एंड्रोसियम बुलाते हैं। और जरा सा देख लो ये कैसा होता है भैया, ये कुछ इस तरह का होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है, ऐसे करके इसी के अंदर बहुत सारा ऐसे ऐसे करके पॉलन ग्रेन डला हुआ रहता है। ठीक है, इसी के अंदर बहुत सारा क्या डला रहता है? पॉलन ग्रेन। और यही जो पॉलन है यही सेक्स सेल है इसका। तो ये चीज ध्यान रखना भैया, जिसमें इसमें इसको बुलाते हैं क्या? एंथर। और इधर क्या बुलाया जाता है इसको? फिलामेंट बुलाया जाता है। देख सकता है तुम लोग यहाँ पे भी दिखा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर वाले को जो है, इसको जो बाइलोब स्ट्रक्चर तुम लोग को दिख रहा है, ये वाला पार्ट कहलाता है एंथर, और इसको हम लोग बुलाते हैं फिलामेंट। उसको क्या बुलाते हैं? फिलामेंट। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, स्टैमेन जो है ये, दिस इज योर स्टैमेन एक, ठीक है। तो ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट बहुत बार होता है, सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम लोग स्टामिनेट फ्लावर बुलाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं? स्टामिनेट फ्लावर बुलाते हैं। तो ये चीज क्लियर कर लो सब बच्चा कि स्टामेन इज योर
यूनिट ठीक है ऑफ एंड्रोसियम एंड एंड्रोसियम इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो भैया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, हाँ एकदम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बुलाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग गाइनोसियम बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं गाइनोसियम ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके यूनिट को हम लोग बुलाते हैं पिस्टिल, इसके यूनिट को हम लोग बुलाते हैं PISTIL पिस्टिल। भैया ये कैसा होता है इसका भी बना के दिखा दीजिए तो जरा सा। तो इसका यूनिट तुम लोग देखो सब बच्चा, ये कुछ इस तरीके से होता है ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है ऐसे करके देख। तो ये जो है दिस इज स्टिग्मा ठीक है, ये क्या है स्टिग्मा है, ये वाला जो है ये क्या है स्टाइल है, और ये वाला जो है ये क्या है ओवरी है। तो तुम लोग देख सकता है स्टिग्मा स्टाइल और ये क्या हो गया आपका ओवरी हो गया। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे ऐसे करके ये जो बना रहे हैं ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया स्टिग्मा, बीच वाला पार्ट हो गया स्टाइल और सबसे लास्ट वाला पार्ट हो गया ओवरी। ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल्स। तो बाद में बताएंगे कि सबका काम क्या होता है, लेकिन ये पूरे यूनिट को ही हम लोग क्या बुलाते हैं पिस्टिल बुलाते हैं। एंड दिस इज दी कौन सा पार्ट बताओ जल्दी से मेरे को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ठीक है। ये जो तुमको दिख रहा है ये कौन सा हो गया तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो तुम लोग देखो यहाँ पे ये वाले फ्लावर को, तो तुम लोग को साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे ये रहा तुम्हारा पहला तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये वाला जो तुम लोग अगर देख रहा है ये हो गया तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो दोनों चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको हम लोग कौन सा फ्लावर बुला रहे हैं जल्दी बता, बाइसेक्सुअल ठीक है, इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बुला रहे हैं बाइसेक्सुअल। तो ये चीज जो लिखे हैं यहाँ पे ये ठीक है, ये वाला जो चीज लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग ध्यान रखना यूनिट क्या होता है सबको ध्यान रखना। भैया सबसे पहला गुच्छा को बुलाते हैं कैलिक्स और उसके एक पत्ते को बुलाते हैं सेपल, दूसरे को बुलाते हैं कोरोला, उसको बुलाते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होता है। भैया इसका मेन काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन ठीक है। फिर तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया एंड्रोसियम, इसके यूनिट को कहते हैं स्टामेन, और चौथा पार्ट हो गया गाइनोसियम, उसको बुलाते हैं पिस्टिल। तो ऐसा बहुत सा फ्लावर होता है जो कि असेक्सुअल होता है ठीक है, क्या होता है असेक्सुअल। तो अगर उसमें सिर्फ मेल पार्ट है तो उसको बताओ कौन सा फ्लावर बुलाते हैं हम लोग, स्टामिनेट बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं स्टामिनेट। और अगर सिर्फ फीमेल पार्ट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे पिस्टिलेट बुलाएंगे। तो देख रहा है ना नाम सब अजीब अजीब आ रहा है, लेकिन समझ ले अच्छे से इसको ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज तुम लोग को बताना चाह रहे हैं कि असेक्सुअल में तुम्हारा हो सकता है वो चाहे सिर्फ मेल हो या चाहे वो क्या हो सकता है फीमेल, अगर इफ इट इज मेल पार्ट देन वी कॉल इट स्टामिनेट, और अगर वो फीमेल है तो वी कॉल इट पिस्टिलेट। तो यहाँ पे बस यही चीज है और कुछ भी नहीं है, यही चारों पॉइंट जो बताया है यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, तुम्हारे बुक में भी दिया होगा, सबके बुक में दिया होगा। थर्ड होल जो देख रहा है are long thread like process somewhat projecting out each usually ending in a bilobed tip, जो हम बना के दिखाए थे तुमको, they are stamens, इसको stamen बुलाते हैं, each stamen consists of thread like filament and anther, तो तुमको ऐसे करके बना के दिखाया। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये anther हो गया और ये क्या हो गया filament, anther के अंदर क्या रहता है pollen grains रहता है, यही pollen grains जो होता है इसी के कारण से pollination होता है। फिर fourth hole हो गया तुम्हारा क्या, फोर्थ होल को हम लोग गाइनोसियम बुलाते हैं, और गाइनोसियम जो है तुम्हारा कौन सा पार्ट हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। गाइनोसियम डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट ठीक है, क्या क्या होता है, एक होता है ओवरी एंड ओवरी होता है। तो यही चीज यहाँ पे बताएं ठीक है, ऐसा फ्लावर जो सिर्फ उसमें गाइनोसियम पाया जाए उसको हम लोग पिस्टिलेट फ्लावर बुलाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना और कुछ नहीं है इसमें, समझो। अब देख आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बताना कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले तुम लोग को ये बात बताए हैं कि कंप्लीट फ्लावर वो होता है ठीक है, या परफेक्ट फ्लावर बुला लो वो होता है, इज वन विच कंटेन्स ऑल द फोर फ्लोरल स्ट्रक्चर ठीक है, जिसमें तुम्हारा चारों फ्लोरल स्ट्रक्चर हो। क्या क्या हो भैया यहाँ पे आपका सेपल्स हो, पेटल्स हो, एंड्रोसियम हो, गाइनोसियम हो, अगर चारों प्रेजेंट रहता तो उसको कंप्लीट बुलाते, if one or more set of floral structure are missing the flower is said incomplete।
तो तुम लोग को ये सब जो क्वेश्चन आएगा डिफ्रेंशिएट में क्वेश्चन आएगा एक मार्क्स का कि बताओ फ्लावर में यहाँ पे कंप्लीट और इनकम्प्लीट या परफेक्ट या इनपरफेक्ट फ्लावर किसको बुलाते हैं, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। फिर एक और डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन यहाँ आ जाता है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो तुमको भी पता है भैया रिप्रोडक्टिव पार्ट एसेंशियल पार्ट होता है, द एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर दोज दैट आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विद रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए बस दो ही पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट है बताओ तुम लोग मेरे को, एक है एंड्रोशियम और दूसरा क्या तुम्हारा गायनोशियम। एंड्रोशियम जो होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और गायनोशियम जो होता है वो क्या हो जाता है तुम्हारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है। तो तुम लोग इस चीज को ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं बता रहे आपको। फिर आ जाते हैं नॉन एसेंशियल में, नॉन एसेंशियल पार्ट आर सिंपली हेल्पिंग पार्ट। ये कैसा पार्ट होता है भैया, हेल्पिंग पार्ट, ताकि इंसेक्ट्स को क्या किया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके या प्रोटेक्ट किया जा सके, तो वही चीज बता रहा है यहाँ पे। तो नॉन एसेंशियल में तुम्हारा कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा बताओ, कैलिक्स और कोरोला, ठीक है, आइदर प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है, या तुम लोग देख सकते हैं अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है, दिस पार्ट इंक्लूड द सेपल्स एंड पेटल्स। तो भैया आप कैलिक्स कोरोला बता रहे हो या सेपल्स और पेटल बन, तो ये चीज बता देते तुम लोग को जिनको जिनको कंफ्यूजन है कि तुम्हारा यहाँ पे ये जो सेपल्स होता है, ठीक है, इसको ही कलेक्टिवली कैलिक्स बुलाते हैं या कैलिक्स के यूनिट को, ठीक है, हम लोग क्या बुलाते हैं, सेपल, एक को सेपल बोलते हैं, उसी तरह कोरोला पूरे को बुलाते हैं और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, पेटल्स बुलाते हैं, एक को क्या बुलाते हैं, पेटल्स। तो ये कंफ्यूजन मत रखना, सिंपल सा चीज है भैया, कैलिक्स जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, वो आपका ग्रीन कलर का होता है, पेटल्स जो होता है सुंदर सुंदर दिखते हैं हम लोग पत्ती, ठीक है, उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, उसके गुच्छे को क्या बुलाते हैं, कोरोला बुलाते हैं। ये डायग्राम सब बच्चा मार्क कर लो, बनाने भी आता है और मार्किंग करने भी आता है, तो एक एक करके हम लोग पहले मार्किंग सीख लेते हैं, ठीक है भैया। यहाँ पे सबसे पहला चीज, ये कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल, क्यों, क्योंकि मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, अगर दोनों प्रेजेंट है मार्क करके दिखाओ कहाँ मेल है, तो ये वाला जो तुमको एक दो तीन चार, ये चारों का चारों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, और बीच में जो सिर्फ प्रेजेंट है वो क्या है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। भैया इसमें ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इज योर एंथर, और ये नीचे ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये क्या होता है, फिलामेंट। तो एंथर फिलामेंट को हम लोग कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं, स्टामेन बुलाते हैं, दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हो गया ये, याद रखना तुम लोग सब बच्चा लोग। फिर यहाँ पे बीच में ये जो दिख रहा है इसको मार्किंग करते भैया, सबसे ऊपर में जो नंबर वन है ये है आपका स्टिग्मा हो गया, बीच में जो पतला सा ट्यूब होता है उसको स्टाइल बुलाते हैं, इसका भी क्या काम आता है वो बताया जाएगा तुम लोग को। और तीसरा हो गया ओवरी, जो लास्ट में ओवरी के अंदर तुम लोग देख रहा होगा बहुत छोटा छोटा यहाँ पे क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट रहता है, यही बाद में जाके भैया सीड बनाता है, यही बाद में जाके क्या बनाता है, सीड। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये तुम्हारा क्या कहलाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है, पिस्टिलेट इसका यूनिट है, और ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बुलाते हैं, गायनोशियम बुलाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हो गया। फिर भैया यहाँ पे देखिए सब बच्चा लोग देखो जरा सा, सेपल्स है, ठीक है, और ये पीछे जो लाल कलर का तुमको दिख रहा था वो पेटल्स है, वो क्या है तुम्हारा, पेटल्स। तो सेपल जो होता है ग्रीन कलर का होता है, मेनली सबसे पहला होल होता है, होल मतलब गुच्छा, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ये चीज मेनली कंसर्न फॉर प्रोटेक्शन, जब बडिंग स्टेज में रहता है भैया वो फ्लावर को बंद करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है और हिल जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे पेटल्स उससे निकलता है, पेटल्स ब्राइटली कलर्ड का होता है भैया, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। फिर आता है तुम्हारा यहाँ पे देखो क्या, स्टॉल, स्टॉल वो पार्ट है जहाँ फ्लावर इज अटैच टू प्लांट, अगर किसी किसी फ्लावर में क्या होता है स्टॉल्क रहता है, किसी किसी में नहीं रहता है, जिसमें रहता है उसको क्या बुलाते हैं बताओ जल्दी से, पेडिसिलेट, पेडिसिलेट, स्टॉल्क रहता है इस प्रेजेंट तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, पेडिसिलेट बुलाते हैं, और अगर नहीं रहता है एब्सेंट रहता है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं बताओ, सेसिल, सेसिल बुलाते हैं। तो ये दो चीज तुमको ध्यान रखना है, एक स्टॉल किस प्रेजेंट और यहाँ पे स्टॉल किस क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, तो भूलना नहीं है। और भैया ये जो सोलन एंड जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बुलाते हैं क्या, रिसेप्टल बुलाते हैं, इसी को क्या बुलाते हैं, रिसेप्टिकल बुलाते हैं। तो ध्यान रखना ये थैलेमस होता है, जहाँ पे सोलन एंड होता है यहीं पे ओव्यूल्स अटैच रहता है, बस और कुछ भी नहीं बताया यहाँ पे। अब इसके बाद देखो फिर और क्या क्या बताता है, ध्यान से सुनना। तो लेबलिंग के नाम पे जितना चीज था हम तुमको मार्क करवा दिए, तुमको कुछ भी हो सकता है उससे पूछ सकता है,
तो तुम लोग एक एक पार्ट को ध्यान रखना जो कि इम्पोर्टेंट है, उसका फंक्शन भी बता दिए। अब आ जाए यहाँ पे नया बात सीखते हैं। द पार्ट इंक्लूड द सेपल्स एंड पेटल्स, इन सम केसेस द पेटल्स एंड सेपल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, टूगेदर कॉल्ड पेरियन। तो पता नहीं चलता कुछ कुछ प्लांट में, ठीक है, वो कौन पेटल्स है कौन सेपल्स है वो पता ही नहीं चलता है। तो वैसे प्लांट को, ठीक है, वैसे पेटल सेपल्स को हम लोग पेरियंथ बुलाते हैं, ठीक है। When the perianth is non-green, ठीक है, अब भैया ये non-green है, अलग अलग कलर का है, तो उसको petaloid बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया petals जो होता है वो colorful होता है, वो क्या होता है आपका, colorful होता है। तो यहाँ पे पहला बात ये बताया कि ऐसा plant जिसमें आपका पता ही नहीं चल रहा है कि कौन petals है कौन sepals है, उसको हम लोग perianth बुलाते हैं, ठीक है। perianth का क्या मतलब हो गया, When petals and sepals are fused, दोनों आपस में क्या रहता है, fused रहता है, पता ही नहीं चलता कि कौन क्या है, ठीक है। अगर उसमें से वो brightly colored का है तो उसको हम लोग petaloid बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, petaloid। और अगर भैया वो green color का है तब उसको sepaloid बुलाते हैं, ठीक है, तब उसको क्या बुलाते हैं, sepaloid। सिंपल सा लॉजिक है भैया, यहाँ पे petals जो होता है वो क्या होता है, non-green होता है, वो क्या होता है, non-green होता है, non-green, ठीक है। और सेपल्स जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो सेपल्स अगर ज्यादा ग्रीन ग्रीन पार्ट है तो सेपलॉइड, लेकिन ज्यादा कलरफुल पार्ट है तो उसको पेटलॉइड बुलाते हैं। तो हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम लोग फटाक से मेरे को बताओ कि जब पेटल्स एंड सेपल्स आर अनडिफरेंशिएटेड टुगेदर तो व्हाट वी कॉल इट, पेरियंथ, पेरियंथ, ठीक है। व्हेन पेरियंथ इज नॉन ग्रीन उसको क्या बुलाया जाता है, सेपलॉइड। When perianth is non-green, तो उसको क्या बुलाया जाता है, petaloid, petaloid, ठीक है, non-green है ना भैया, petals are non-green, petals भैया brightly colored होता है, non-green होता है, ठीक है, green के अलावा non-green, petaloid हो गया। और जब green होता है, when the perianth is green like sepals, it is described as sepaloid, उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, sepaloid। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो एक हेडिंग लिख लो खाली perianth, और perianth के नीचे दो फ्लो चार्ट बना लो, एक हो गया तेरा पेटलॉइड और एक हो गया तुम्हारा सेपलॉइड। पेरियंथ कौन सा केस हुआ, जब भैया आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन पेटलॉइड है कौन सेपलॉइड है, ठीक है, या कौन पेटल्स है या कौन सेपल्स है, दोनों आपस में फ्यूज्ड रहता है, तो उसको हम लोग पेरियंथ बुलाते हैं। जब आपका ब्राइट कलर्ड पार्ट जो होता है ज्यादा होता है तो उसको पेटलॉइड बुलाते हैं, और जब ग्रीन कलर का पार्ट ज्यादा होता है तो उसको सेपलॉइड बुलाते हैं। सिंपल सा ये चीज लॉजिक है, इसके पीछे कुछ है ही नहीं। तो यही चीज तुमको बताया गया है यहाँ पे। अब आ जाते हैं इसके बाद ब्रैक्ट के बारे में। अब भैया ब्रैक्ट क्या होता है जरा सा बता दो हम लोग को, चलो वो भी बता देते हैं। तो देख नया नया नाम आ रहा हर एक पैराग्राफ में, तो तुमको वो चीज को ध्यान रखते हुए आगे याद करते हुए जाना है, ठीक है। तो तुमको कम ही कम पढ़ाते हैं तो उन सब चीज का ध्यान रखते रखना, डेली याद कर लेना। व्हेन अ फ्लावर अराइजेस इन द एक्सिल ऑफ ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज ब्रैक्ट। अंडरलाइन करो, ये इसका डेफिनेशन है। क्या बोला भैया, फ्लावर कहाँ अराइज कर गया, लीफ लाइफ स्ट्रक्चर के एक्सिल पे, ठीक है। तो तुमको इसका डायग्राम दिखाते ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देखो, ये देख यहाँ पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसके एक्सिल पे, टिप पे, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लावर अगर अराइज कर गया है तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बुला रहे हैं, ब्रैक्ट बुला रहे हैं, ठीक है भैया। इसका एक दो एग्जाम्पल बता दो, ब्रैक्ट में भी डायोफाइलम, ठीक है, ऑर्डिनरी लीफ एट ए टाइम द लार्ज एंड कलरफुल ब्रैक्ट ऑफ बोगेनविलिया, ठीक है। यहाँ पे ये नाम ध्यान रखना, बोगेनविलिया एक नाम आया है, बोगेनविलिया का नाम भूलना मत, इज इजली मिस्टेकन फॉर पेटल, लगता वो पेटल्स है लेकिन नहीं भैया, वो तो पूरा का पूरा ही फूल है, ठीक है। ये पूरा का ही पूरा क्या है, फूल है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ब्रैक्ट का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन ए फ्लावर अराइजेस इन द एक्सिल ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जब एक्सिल ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर में आपका क्या होता है, फ्लावर अराइज कर जाता है, तो वी कॉल इट ब्रैक्ट। ये किस में होता है भैया, बोगेनविलिया में होता है। तो नाम याद रखना है, स्पेलिंग याद रखना है, ठीक है। अब आया नेक्टेरिस, तुम लोग बोल रहे हैं तब से कि भैया फ्लावर जो होता है अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, तो इंसेक्ट का एक खाना होता है, एक फ्रेगनेंस होता है, ठीक है। तो वो जो फ्रेगनेंस होता है या खाना होता है वो यहाँ पे तुमको पता चलेगा, मोस्ट फ्लावर प्रोड्यूस ए स्वीट फ्रेगनेंट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर, ठीक है। वो एक लिक्विड निकालता है नेक्टर, उनके पास स्पेशल नेक्टर निकालने के लिए सिक्रेटिंग सेल्स होता है, जिसको क्या बुलाते हैं हम लोग, नेक्टेरिस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, नेक्टेरिस, आर सिचुएटेड यूजुअली एट द बेस ऑफ द पेस्टिल और ऑन द बेसिस ऑफ द पेटल। तो बता रहा है कहाँ पे होता है,
ये क्या काम में आता है भैया, हनी बी सबको पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है, सम केसेस नेक्टरीज आर वेरी प्रोमिनेंट एज इन नेस्टेटियम, तो यहाँ पे नेक्टरीज का एक एग्जाम्पल दिया है नेस्टेटियम, ध्यान रखना। ब्रेक्ट का एग्जाम्पल क्या बताए थे तुम लोग को, बोगेनविला, बोगेनविला ठीक है, उसी तरह नेक्टर का क्या बताए, नेस्टेटियम बताए, तो नेस्टेटियम कुछ नहीं है, बस यही है कि भैया इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर क्या करता है, एक स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड निकालता है जिसको नेक्टर कहते हैं, वो उनके लिए खाना होता है भैया, वो जो खाना होता है, वो जो नेक्टर होता है वो कौन निकालता है, वो स्पेशल सिक्रीटिंग सेल्स होता है, नेक्टर सिक्रीटिंग सेल्स होता है जिसका नाम है नेक्टरीज, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, बेस ऑफ द पिस्टिल और ऑन द बेसिस ऑफ द पेटल्स। तो लोकेशन ध्यान रखना, 5 मार्क्स इज फॉर लोकेशन इन बायोलॉजी, आईसीसी बोर्ड पैटर्न है ये, ठीक है, 5 मार्क्स लोकेशन पे आता है, तो ये इसका लोकेशन है, तुमसे पूछ सकते हैं बताओ मेरे को नेक्टरीज कहाँ पे रहता है, तो बेस ऑफ द पिस्टिल और ऑन द बेसिस ऑफ द पेटल्स, पेटल्स के बेस पे पाया जाता है, ये देख ले इसका भी डायग्राम, यहाँ पे ये दिखा रहा है और कुछ भी नहीं। अब आता है सेक्सुअलिटी और इन फ्लावर, तो तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं यहाँ पे क्या, कि भैया मेल होता है, फीमेल होता है या बाइसेक्सुअल होता है, मेल होता है, फीमेल होता है या क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। अब इसके बाद देख क्या बता रहे हैं, मेल फीमेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो मेल फीमेल मतलब क्या होगा, जिसमें मेल एंटिटी अलग है फीमेल एंटिटी अलग है, तो ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट है उसको क्या बताए थे नाम, जल्दी बताओ तुम लोग, स्टैमिनेट बुलाते हैं, और फीमेल अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बुलाते हैं, और अगर भैया दोनों ही अब्सेंट है तो क्या बुलाते हैं, न्यूट्रल नहीं न्यूटर है, ठीक है, क्या बुलाते हैं, न्यूटर बुलाते हैं, तो ध्यान देना वो भी आएगा। जैसे अभी हम तुमको ब्रैक्ट के बारे में बताए, ब्रैक्ट ऐसा फ्लावर है जिसमें भैया क्या होता है, जिसमें आपका फ्लावर ऑन दी एक्सिल पे क्या होता है, उगता है। नेक्टरीज फिर बताए, नेक्टरीज क्या होता है भैया, नेक्टर सेक्रेटिंग सेल्स होता है नेस्टेटियम। उसी तरह आएगा यहाँ पे अब एक न्यूटर फ्लावर का एग्जाम्पल, न्यूटर फ्लावर का एग्जाम्पल आता है रे फ्लोरेट्स इन सनफ्लावर, ठीक है, इसमें ना तो मेल होता है ना तो फीमेल पार्ट रहता है, तो चलो देखो इसको भी, The anthers of the stamen produce pollen. भैया ये देखिए, pollen जो ऐसे करके आप बनाए थे, ये जो है इसी के अंदर क्या रहता है, pollen grains रहता है, इसी के अंदर क्या रहता है, which form the male gamete. कल से बोल रहे हैं हम तुम लोगों को, ठीक है, gamete मतलब sex cells. The ovary of the carpel bears the ovule. ये क्या हो गया भैया, ये आपका एक cells रहता है इसी के अंदर, ये हो गया आपका female gamete. The stamens and the carpels are male and female part of flower respectively. तो stamen हो गया तुम्हारा male part, carpel हो गया तुम्हारा female part. Okay, कोई दिक्कत नहीं है भैया. तो ऐसा flower जिसमें both stamens and carpels are present, we call it bisexual, hermaphrodite या perfect flower. बताए थे तुम लोग को perfect उसको बुलाते हैं जिसमें चारों holes present रहता है, तो यहाँ पे यही बता रहा है, तुम उसको बाइसेक्सुअल बुला लो क्योंकि दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, हर्मोफ्रोडाइट बुला लो या परफेक्ट फ्लावर बुला लो, तेरे ऊपर है। फिर आता है अ फ्लावर व्हिच हैज ओनली अ फ्लावर व्हिच हैज ओनली वन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, चाहे स्टामेन हो चाहे तुम्हारा यहाँ पे क्या हो कार्पल हो, तो उसको यूनिसेक्सुअल बुलाते, इनकम्प्लीट या इनपरफेक्ट बुलाते, सच इन केसेस ऑफ पपाया एंड पाल्म, ठीक है, पपाया और पाल में भैया वो एक ही सेक्स प्रेजेंट रहता है। अब उसके बाद देखो भैया, यूनिसेक्सुअल मतलब या तो एंड्रोशियम रहेगा या गायनोशियम रहेगा, हाँ हाँ ठीक है, देखो वही लिख रहा है, अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर विच कंटेन्स ओनली दी स्टामेन्स, ठीक है, अगर सिर्फ स्टामेन है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, दैट इज मेल पार्ट है तो उसको स्टामिनेट फ्लावर बुलाते हैं, उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, स्टामिनेट फ्लावर बुलाते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और अगर सिर्फ फीमेल पार्ट है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं बता, बोलते जा रहे शुरू से ही बोल दिए थे तुम लोग को ये बात, तो यहाँ पे वो वापिस बता दिया। अब आ जाए यहाँ पे न्यूटर फ्लावर, मार्क करो इसको, अ फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर लैकिंग, अंडरलाइन कर लो इसको, सब आता है एग्जाम में, सच इन केस ऑफ रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, तो इसमें भैया दोनों ही लैक करता है, ठीक है, माने भैया आपका मेल भी है फीमेल भी है, मेल है तो स्टामिनेट है, फीमेल है तो पिस्टिलेट है, या तुम उसको ठीक है यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं इनपरफेक्ट बुला सकते हो, यहाँ पे ऐसा भी है जिसमें दोनों ही नहीं है, ठीक है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर लैकिंग, किसमें भैया रे फ्लोरेट्स और सनफ्लावर में, तो ऐसे फ्लावर को क्या नाम दिया गया बता दे जल्दी से,
न्यूटर फ्लावर, न्यूटर फ्लावर, ऐसे फ्लावर को क्या नाम दे दिया हम लोग, न्यूटर। अब आ जाए यहाँ पे जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है क्या क्या है, अब एक एक करके सुनते जाना। कैलिक्स के बारे में तो भैया पढ़ा दिए, फिर क्यों बता रहे, नहीं अब हम तेरे को बता रहे कैलिक्स में क्या होता है, कहीं पे कैलिक्स क्या होता है, फ्री होता है, और कहीं पे क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। तो फ्री और फ्यूज्ड रहने में उसका अलग अलग नाम है, देख सकता है यहाँ पे पॉलीसेप्लस और गैमोसेप्लस। तो ध्यान से देखना सब बच्चा, यूजुअली देयर आर फाइव सेपल, ज्यादातर प्लांट में क्या होता है, फ्लावर में क्या होता है, फाइव सेपल्स होता है जनरली, ठीक है, हमेशा नहीं, समटाइम दे में भी लेस और इन फ्यू केसेस इवन मोर, किसी में ज्यादा भी किसी में कम भी हो सकता है। द सेपल्स मे बी फ्री, ठीक है, अगर फ्री है तो उसको क्या बुलाते बताओ, फ्री है तो उसको क्या बुलाते हैं, पॉलीसेप्लस, और अगर फ्यूज है तो उसको क्या बुलाते हैं, गैमोसेप्लस। तो तुम लोग लिख लो यहाँ पे, ठीक है, फिगर में लिख लेना, अगर फ्री है, ठीक है, फ्री है तो उसको पॉलीसेप्लस बुलाते हैं, और फ्यूज है तो उसको क्या बुलाते हैं, गैमोसेप्लस बुलाते हैं, ठीक है, ये चीज लिख लो। अब इसके बाद देखो, समटाइम्स एज इन हिबिस्कस सोफ्लावर देयर मे बी सेकेंड सीरीज ऑफ, अब एक और नया बात सुनो भैया, यहाँ पे एक नया बात क्या बता रहा है कि एक के साथ दो पेयर हो सकता है, ठीक है, मतलब दो अलग अलग क्या हो सकता है भैया, एक आगे है एक पीछे भी कैलिक्स हो सकता है या सेपल्स हो सकता है, सेकेंड सीरीज हो सकता है, तो सीरीज ऑफ सेपल्स कॉल एपी सेपल्स, कलेक्टिवली इसको एपी कैलिक्स बुलाते हैं। तो यहाँ पे ये बात क्या बोलना चाह रहा है कि ऐसे सोचिए कि एक तो है ही आगे, ठीक है, और एक क्या हो गया आपका यहाँ पे, एक पीछे से भी और आ गया, ठीक है, तो अगर दो ऐसा है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एपी कैलिक्स बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं उसको, एपी कैलिक्स। तो अगर सेकेंड, ठीक है, अगर सेकेंड सीरीज हो गया तो वी कॉल इट एपी कैलिक्स। वेन द फ्लावर ओपन्स द सेपल में फॉल ऑफ और परसिस्ट, अब फ्लावर जब खिलता है ना तो भैया ये सेपल्स गिर भी सकता है या रह भी सकता है। सेपल्स आर यूजली ग्रीन बट इन सम केसेस दे आर ब्राइटली कलर्ड, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पेटलॉइड, ठीक है, पेरियंथ में पढ़े थे तुम लोग, एज इन गुलमोहर, फ्लेम्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, बुलाते हैं उसको गुलमोहर, ध्यान रखना, नेम ए फ्लावर दैट आर नोन एज फ्लेम्स ऑफ फॉरेस्ट, तो उसका नाम क्या लिख के आओगे, गुलमोहर, गुलमोहर, ठीक है, तो उस केस में वो रेड कलर का होता है, वो किस कलर का रहता है, रेड कलर का, ठीक है, तुम लोग का गुलमोहर का बुक होगा इंग्लिश टू का, उसमें भी तुम लोग देखना उसका कवर पेज, ठीक है, उसमें दिखाया गुलमोहर जो है, गुलमोहर का वो एक्चुअली वो यही है, हाँ भैया फ्लेम तुम लोग पढ़ते थे, हाँ याद है ना, पढ़ती थी, तो वही चीज है। तो इसमें क्या पढ़े भैया अपन लोग, कैलिक्स के बारे में पढ़े, सेपल्स के बारे में पढ़े, ठीक है, अगर भैया वो फ्यूज रहता है तो उसको गैमोसेप्लस बुलाते हैं, अगर आपका वो फ्री रहता है तो उसको पॉलीसेप्लस बुलाते हैं, भैया अगर दो सीरीज में है तो उसको हम लोग एपी कैलिक्स बुलाते हैं। तो ये सारा चीज ध्यान रखना, बहुत बार ये क्या हो जाता है, झड़ जाता है, गिर जाता है फ्लावर में, और नहीं तो रह जाता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं बताया यहाँ पे, तो यही चीजें। अब देखो द सेपल्स का यहाँ फंक्शन लिख दिया, ठीक है, क्या लिखता है फंक्शन, देखो अंडरलाइन करो, द सेपल्स प्रोटेक्ट द यंग फ्लावर बर्ड एंड द ग्रीन आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो हम तेरे को पहले ही बता चुके थे ये चीज, ये ग्रीन होना, जो जो पार्ट ग्रीन होता है वो सबका सब फोटोसिंथेसिस करता है। ग्रीन किसके कारण से होता है, क्लोरोफिल के कारण से होता है, अगर क्लोरोफिल है तो वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा ही करेगा। अब आता है कोरोला, भैया पूरे यूनिट को कोरोला कहते हैं, मतलब बंच को, और एक को यूनिट को क्या बुलाते हैं, पेटल्स। तुम लोग बताओ पेटल्स के बारे में क्या बताए थे तुम लोग को, दे आर ब्राइटली कलर्ड, कलर्ड, सिंगल भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, फ्यूज्ड भी हो सकता है। तो ठीक उसी के तरह अगर फ्री है तो उसको पॉली क्या बुलाते हैं, पेटलस बुलाते हैं, और अगर फ्री है तो उसको गैमोपेटलस बुलाते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, फ्यूज्ड है तो सॉरी उसको गैमोपेटलस बुलाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताया हुआ है, देख ले सब बच्चा लोग। यहाँ पे देख, काइंड्स ऑफ कोरोला, फ्री पेटल्स, पेटल्स फ्यूज दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ सी में भी पेटल्स फ्यूज दिखा रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों केस में ये फ्यूज है, और इस केस में ये जो है ये फ्री है, ठीक है, ये क्या है, फ्री। तो अगर फ्री है तो हम लोग इसको क्या बुलाएंगे, जल्दी बता,
पॉलीपेटलर। और अगर फ्री नहीं है तो क्या वो फ्यूज होगा तो क्या लाएंगे? गैमोपेटलस। गैमोपेटलस ठीक है, तो वही नाम है भैया पॉली। ये चीज ध्यान रखना, पॉली का मतलब हो गया भैया फ्री और गैमो का मतलब हो गया कदम हो गया। अब आ जाते हैं एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम का यहाँ पे ये फिर फंक्शन तुम लोग को पता ही है, लेकिन एंड्रोसियम भी क्या होता है फ्यूज्ड और क्या होता है तुम्हारा फ्री होता है। द नंबर ऑफ स्टामेंस इन डिफरेंट फ्लावर में वेरी फ्रॉम अ फ्यू टू अ लार्ज नंबर, या नंबर के हिसाब से भी है, सुन लेना ध्यान से। ईच स्टामेन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग फिलामेंट एंड एन एंथर। भैया बार बार यही चीज बता रहा है कि ये जो बना रहता है वो ऐसा स्ट्रक्चर का होता है, ये इसका फिलामेंट हो गया और ये इसका क्या हो गया एंथर हो गया। ठीक है भैया, ये तो हम लोग भी समझ गए। ईच स्टामेन कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग फिलामेंट एंड एंथर अटैच टू इट्स एक्सट्रीमिटी। द एंथर इज यूजुअली टू लोब, देख लो हम बना के रखे ही है। Each lobe has two pollen sac. इसमें pollen भरा पड़ा रहता है इसके अंदर। Within the pollen sacs are contained pollen grain. देख लो इसको और अच्छे से देखो, ठीक है? यहाँ पे देख ये अलग अलग तरह का pollen grain दिखाया है। तुम लोग देखा होगा बुढ़िया का बाल बुलाते थे हम लोग के स्कूल के समय, तो उड़ते उड़ते एक व्हाइट कलर का आता था, ठीक है? वो भी pollen है। वो भी क्या है तुम्हारा? Cotton का। हाँ, cotton का। When fully matured, the pollen sacs rupture to liberate pollen grains. The pollen grains are generally powdery particles of different shape and size. देख सकता है यहाँ पे अलग अलग shape and size का बताया है। In androsium, stamens may be free. देख फिर से वही बता रहा। अगर free है तो polyandrous बुलाते हैं, और joint है तो क्या बुलाएंगे इसको? Joint है तो क्या नाम दिया गया था? Polygamo. उधर क्या हो जाएगा? Gamo. तो यहाँ पे देखो free में क्या क्या आता है भैया? एक सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और सेवरल भी हो सकता है। तो ये नाम ध्यान रखना, अगर सिंगल सिंगल है तो मोनोडेल्पस बुलाते, अगर दो में होता है तो डाइडेल्पस, और तीन से ज्यादा दो से ज्यादा है तो उसको हम लोग पॉलीडेल्पस बुलाते हैं। तो यहाँ पे देख लो डायग्राम से तुमको साफ साफ दिख रहा है भैया, यहाँ पे एक एक है तो मोनो, यहाँ पे ये एक और ये दूसरा, तो ये हो गया आपका डाइडेल्पस। यहाँ पे एक दो तीन चार पांच इतना सारा हो गया, तो ये क्या हो गया? पॉलीडेल्पस। तो यहाँ पे अगर ऐसे करके स्टामेंस आपका अरेंज्ड है, ठीक है, नंबर ऐसे है, तो यहाँ पे मोनोडेल्पस, डाइडेल्पस और पॉलीडेल्पस बुलाते हैं। मोनोडेल्पस ये आया हुआ क्वेश्चन सब है, ठीक है, सब पूछा जाता है। मोनोडेल्पस में क्या होता है? स्टामेंस आर यूनाइटेड इन वन ग्रुप बाय देयर फिलामेंट, ठीक है भैया। ओनली एंथर्स आर फ्री, ठीक है। यहाँ पे एक चीज खास बात देखो, स्टामेन जो है भैया वो क्या बता रहा है? स्टामेंस आर यूनाइटेड, स्टामेंस जो है वो यूनाइटेड है, लेकिन एंथर जो है वो फ्री है। मतलब नीचे वाला देख क्या कहना चाह रहा है, एंथर्स आर फ्री, ऊपर वाला फ्री है, लेकिन नीचे वाला सारा जो है वो क्या है? जुड़ा हुआ है। ये ऐसे ऐसे करके सब क्या है? जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला क्या है? फ्री है, और नीचे वाला सब क्या है? जुड़ा हुआ। जैसे किसमें होता है? कॉटन में होता है, चाइना रोज में होता है, ध्यान रखना। डाइडेल्फस में क्या बोलता है? द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड, या फिलामेंट इज वर यूनाइटेड है इन टू बंडल, ठीक है। यहाँ फिलामेंट आर यूनाइटेड इन टू बंडल, इसका एग्जांपल देख लो। पॉली में फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन सेवरल ग्रुप्स। तो यहाँ पे सीधा सा चीज है, यहाँ पे तुम्हारा नीचे वाला क्या बता रहा है? यहाँ पे फिलामेंट जो है यूनाइटेड रहता है, और ऊपर वाला क्या रहता है? फ्री रहता है। ऊपर वाला क्या रहता है? फ्री। तो ये क्वेश्चन आता है, पूछता है कि कितना तरह का तुम्हारा स्टामेंस होता है, तो मोनोडेल्पस, डाइडेल्पस और पॉलीडेल्पस होता है। भूलना नहीं इस चीज को, विथ देयर एग्जांपल्स आप लोग को याद करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट पार्ट आता है तुम्हारा गाइनोशियम। गाइनोशियम कौन सा पार्ट होता है जल्दी बताओ? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल। तो वही चीज बताए थे, जो उसमें गाइनोशियम प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग कौन सा फ्लावर बुलाते हैं? पिस्टिलेट। इट इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर कार्पल्स। ये क्या चीज का रहता है? कार्पल्स का बना भैया, यूनिट को ही कार्पल्स बुलाते हैं। कार्पल का तीन पार्ट होता है, एक एक करके सुनना। तो सबसे पहला चीज हम इसका यहाँ डायग्राम ही बना देते हैं, ऐसे करके ये रहता है। ये जो है ना स्टिग्मा, इस स्टिग्मा में किसी किसी में हेयर्स रहता है, या ये स्टिकी रहता है, ताकि पोलन ग्रेन यहाँ पे आके चिपक जाए या बैठ जाए। तो ये एक लैंडिंग सरफेस रहता है, ताकि पोलन ग्रेन यहाँ पे आके क्या हो जाए? बैठ सके।
इज इट टर्मिनल लॉब नॉब लाइक पार्ट इट मे बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर लोब. ठीक है, ये देख ले, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये और ये लोब्स बुलाते हैं इसको. ठीक है भैया, द स्टिग्मा इज कवर्ड विद हेयर और विद ग्लैंडुलर पैपिले. देखा ना इसमें हेयर रहता है. इट सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेस फॉर पॉलन ड्यूरिंग पॉलिनेशन. ये इसका फंक्शन हो गया, ये लैंडिंग सरफेस प्रोवाइड करता है, प्लेस प्रोवाइड करता है ताकि पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके बैठ जाए. भैया ये चिपचिपा होता है जिसके कारण से स्टिक कर जाता है और कुछ नहीं. फिर भैया ये बीच वाला पार्ट हुआ स्टाइल. अब ये पॉलन ग्रेन जो धीरे धीरे बढ़ता है, पॉलन ट्यूब बनाता है. पॉलन ट्यूब जो है इससे स्टाइल से होके पास करता है और ओवरी में जाके फ्यूज कर जाता है. ओवरी में जाके क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है. ट्यूबलेस लैंडर स्टॉल विच कनेक्ट द स्टिग्मा टू ओवरी. इसका काम बस यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्टिग्मा को देखो, ये स्टिग्मा टू ओवरी, हाँ को ओवरी से जो कनेक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो आपका स्टाइल कर रहा है. वो कौन कर रहा है, स्टाइल. लास्ट पार्ट आता है और मेन पार्ट आता है गाइनोशियम का, वो है ओवरी. ओवरी क्या होता है भैया, देख यहाँ पे सोलन वेसल पोर्शन, ये देखो ये फुला हुआ तुमको दिख रहा है, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइज करता है. हाँ, पोलन ग्रेन का जो पोलन ट्यूब आता है वो वहां जाके क्या करता है, फर्टिलाइज करता है. द इनर कैविटी ऑफ ओवरी मे बी अ सिंगल चैम्बर और डिवाइडेड इंटू सेवरल चैम्बर्स. ठीक है, इसी को हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं. एक सिंगुलर हो गया और बहुत सारा चैम्बर में अगर टूटा हुआ रहता है तो उसको हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं. ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं. द क्यूशन और सोलन रीजन इन दी ओवरी अटैचिंग दी ओव्यूल्स टू दी वॉल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटा. ये याद कर ले, तुमसे पूछेगा प्लासेंटा का फंक्शन. हम अभी बोल देते हैं प्लासेंटा का फंक्शन तुम लोग से पूछेगा तो क्या लिखोगे, क्यूशन और सोलन रीजन इन दी ओवरी अटैचिंग दी ओव्यूल्स टू दी वॉल्स ऑफ ओवरी. तो इसका ये फंक्शन है, ये ओव्यूल्स को ओवरी के वॉल से अटैच जो करता है वो कौन करता है भैया, वो प्लासेंटा करता है. तो तुम लोग को पहले ही बोल देते ये इसका फंक्शन आने वाला है तुम लोग को प्लासेंटा का, तो ये तुम लोग को याद रखना है. किसी को कोई दिक्कत इसमें, नहीं भैया? ओके, अब लास्ट टॉपिक आता है यहाँ पे, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स. इन मोस्ट प्लांट्स द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल. ठीक है, यहाँ पे फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल. भैया ठीक है भैया, इन मोस्ट प्लांट द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल. ज्यादातर में बाइसेक्सुअल पाया जाता है, अच्छा बात है. यहाँ पे दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स. इन मेनी प्लांट द मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर सेपरेट. ठीक है भैया, सच प्लांट्स आर टू टाइप, मोनोशियस एंड डाइसियस. अब यहाँ पे पढ़े थे मोनोडेल्फस और डाइडेल्फस, और यहाँ आ रहा है मोनोशियस एंड डाइसियस, कंफ्यूज मत करना. मेल एंड फीमेल फ्लावर ग्रो ऑन द सेम प्लांट. तो मोनोशियस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में उगता भैया, जैसे मेज में, ककंबर में और पम्पकिन. और डाइसियस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल ग्रो ऑन डिफरेंट प्लांट्स. ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल जो होता है वो डिफरेंट प्लांट्स में उगता है, एज इन केस ऑफ पाल्म एंड पपाया. तो इसको बोलना मत यहाँ पे मेल फीमेल एक में उगता है तो मोनोशियस प्रेजेंट है ये, तो ये चीज ध्यान रखना. फिर वही बोल रहे हैं, मोनोशियस में क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही में रहता है. ठीक है, तो अगर एक ही में रहता है और यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर जो है अलग अलग प्लांट में रहता है, यहाँ पे मेल फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में है. ठीक है, लेकिन एक में ही मिक्स नहीं है, ये चीज क्लियर रखना. तो ये मोनोशियस हो गया और ये वाला क्या हो गया, डाइसियस. अब आता है तुम्हारा एक चीज और डेफिनेशन जो पूछा जाता है, इनफ्लोरोसेंस. भैया देखिए, द फ्लावर में बी अरेंज इन सेवरल डिफरेंट वेज इन डिफरेंट प्लांट्स, दिस मैनर ऑफ अरेंजमेंट इज टर्न्ड एज इनफ्लोरोसेंस. तो वही बात है, तो ये ध्यान रखना, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, इनफ्लोरोसेंस कहते हैं. तो अलग अलग में अलग अलग रहता है, सिंगल आइदर एट दी एपेक्स हो सकता है, टर्मिनल्स पे पाया जा सकता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सिल ऑफ दी लीव्स में पाया जा सकता है. तो फ्लावर के पोजीशन पे जो रहता है उसको हम लोग इनफ्लोरेसेंस कहते हैं. अभी यहाँ पे प्लासेंटा के बारे में बताए थे ना हम लोग को, कि ओवरी जो होता है वो क्या होता है, अटैच रहता है ओव्यूल से. प्लासेंटा जो होता है, टिश्यू दैट अटैचेस दी ओव्यूल टू दी वॉल्स ऑफ ओवरी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लासेंटा. तो इसका फंक्शन पूछता है, बार बार तुम लोग को बोल रहे हैं, जो पूछा जाएगा हम टेस्ट लेंगे तो हम पूछेंगे ही तुमसे. फिर यहाँ देखो, ये दिखा रहा है अलग अलग तरह का फ्लावर का अरेंजमेंट. तो देख सकता है यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे टिप में एक्सिल ऑफ द लीफ में पाया जा रहा है, लेटरली फ्लैटेंड दिखा रहा है. ठीक है भैया, फिर लास्ट टॉपिक आता है प्लासेंटेशन.
तो प्लासेंटेशन इज द मैनर इन विच द ओव्यूल्स आर अटैच. अभी भैया जब फ्लावर को अटैच कर रहे थे तो उसको हम लोग क्या बुला रहे थे, इनफ्लोरेसेंस बुला रहे थे. यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा का या ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लासेंटेशन कहते हैं. तो लिखता है यहाँ पे चाहे तो अरेंज हो सकता है, अटैच्ड हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, फ्री रह सकता है. ओव्यूल्स जो होता है वो क्या बनाता है भैया, बाद में जाके सीड बनाता है. ओव्यूल्स जो बनाता है क्या बनाता है, सीड बनाता है. तो ये भूलना नहीं है तुम लोग को. तो ये दो चीज और था, इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर और प्लासेंटेशन इज द मैनर इन विच ओव्यूल्स आर अटैच्ड. खत्म. और इसमें